नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आम बोलचाल में यूज़ होने वाले ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो बैंक अकाउंट खुलवाने से रिलेटेड हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, नमस्ते सर, कृपया अंदर आइए। इसे कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ कम इन। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ कम इन। अगला सेंटेंस है, मैं एक खाता खोलना चाहता हूँ। इसे कहेंगे आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट। आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट। अगला सेंटेंस है, सर आपको इसके लिए मिस्टर राहुल से मिलना पड़ेगा। इसे कहेंगे सर फॉर दिस यू नीड टू मीट मिस्टर राहुल। सर फॉर दिस यू नीड टू मीट मिस्टर राहुल। अगला सेंटेंस है, वो हमारी शाखा के प्रबंधक हैं। इसे कहेंगे ही इज़ आवर बैंक मैनेजर। ही इज़ आवर बैंक मैनेजर। अगला सेंटेंस है, ठीक है धन्यवाद। इसे कहेंगे ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। अगला सेंटेंस है दोस्तों, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। इसे कहेंगे मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर। अगला सेंटेंस है, आइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसे कहेंगे कम इन। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कम इन। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, सर मैं एक बचत खाता खोलना चाहता हूँ। इसे कहेंगे सर आई वॉन्ट टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट। सर आई वॉन्ट टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट। अगला सेंटेंस है, आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। इसे कहेंगे फॉर दिस यू नीड टू फिल द फॉर्म। फॉर दिस यू नीड टू फिल द फॉर्म। अगला सेंटेंस है, आप अकेले खाता खुलवाना चाहते हैं या किसी के साथ। इसे कहेंगे डू यू वॉन्ट टू ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट। डू यू वॉन्ट टू ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट। अगला सेंटेंस है दोस्तों, सर मैं अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। इसे कहेंगे सर आई वॉन्ट टू ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट विद माई वाइफ। सर आई वॉन्ट टू ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट विद माई वाइफ। अगला सेंटेंस है, क्या आप किसी ऐसे आदमी से परिचय करवा सकते हैं जिसका खाता पहले से ही इस बैंक में हो। इसे कहेंगे कैन यू इंट्रोड्यूस एनी पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ एन अकाउंट इन दिस बैंक। Can you introduce any person who already has an account in this bank? अगला सेंटेंस है, क्योंकि उसे फार्म पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने होंगे। इसे कहेंगे because he will have to sign as witness. Because he will have to sign as witness. अगला सेंटेंस है, जी सर मेरे दोस्त मिस्टर दिनेश का खाता आपके ही बैंक में है। इसे कहेंगे yes sir. My friend Mr. Dinesh has an account in your bank. Yes sir, my friend Mr. Dinesh has an account in your bank. अगला सेंटेंस है, ठीक है जाओ और साधारण बचत खाता खोलने के लिए फॉर्म ले आओ। इसे कहेंगे फाइन गो एंड ब्रिंग द फॉर्म फॉर ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट। फाइन गो एंड ब्रिंग द फॉर्म फॉर ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट। अगला सेंटेंस है, सर कम से कम कितनी राशि से हम खाता खोल सकते हैं। इसे कहेंगे सर व्हाट इज़ द मिनिमम डिपॉजिट फॉर ओपनिंग द अकाउंट। सर व्हाट इज़ द मिनिमम डिपॉजिट फॉर ओपनिंग द अकाउंट। अगला सेंटेंस है, आप खाता नाम मात्र 500 रुपये की राशि से खोल सकते हैं। इसे कहेंगे यू कैन ओपन द अकाउंट विद द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ओनली रुपीज 500। यू कैन ओपन द अकाउंट with the nominal amount of only rupees 500. अगला सेंटेंस है, और आपको इसके साथ चेक की सुविधा भी मिलेगी। इसे कहेंगे and you will also get the check facility with it. And you will also get the check facility with it. अगला सेंटेंस है, ये बहुत अच्छा है। इसे कहेंगे it's very nice. It's very nice. अगला सेंटेंस है, यह आपका फॉर्म है। इसे कहेंगे दिस इज योर फॉर्म। दिस इज योर फॉर्म। अगला सेंटेंस है, कृपया इसे भर दीजिए।
इसे कहेंगे प्लीज फिल इट, प्लीज फिल इट। अगला सेंटेंस है दोस्तों, जैसा कि यह ज्वाइंट अकाउंट है इसलिए आपको आपकी पत्नी को तथा गवाह को हस्ताक्षर करने होंगे, इसे कहेंगे दिस इज अ ज्वाइंट अकाउंट सो यू एंड योर वाइफ हैव टू साइन एंड ऑल्सो द विटनेस। दिस इज अ ज्वाइंट अकाउंट सो यू एंड योर वाइफ हैव टू साइन एंड ऑल्सो द विटनेस। अगला सेंटेंस है सर कल मैं फॉर्म दूंगा, इसे कहेंगे सर टुमारो आई विल सबमिट द फॉर्म, सर टुमारो आई विल सबमिट द फॉर्म। अगला सेंटेंस है और पैसे भी जमा करा दूंगा, इसे कहेंगे एंड आई विल डिपॉजिट द मनी, एंड आई विल डिपॉजिट द मनी। अगला सेंटेंस है ठीक है कल आपको अकाउंट नंबर और पासबुक दोनों ही मिल जाएगी, इसे कहेंगे ओके टुमारो यू विल गेट द अकाउंट नंबर एंड पासबुक, ओके टुमारो यू विल गेट द अकाउंट नंबर एंड पासबुक। अगला सेंटेंस है धन्यवाद सर, इसे कहेंगे थैंक यू सर, थैंक यू सर।